हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा था और हम टाइप टेस्ट को देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया था। आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने लिखा है जो कि सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं। तो इनको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था वो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो आपको उस फॉर्मूला को हमने बोला था याद कर लेना। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ए, देखिए ये संख्या है, सेम है ना, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा बी क्यूब, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दैट उसका मान क्या आता है, ए प्लस बी उसका आंसर आता है। तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा, 762 में हम जोड़ देंगे 316, ठीक है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, मतलब 1000, 6 और 7 70, तो 1070 और 6 और 2 8 1078 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, पर इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको यदि आप डेसिमल का नॉलेज आपको अच्छे से नहीं है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी देखने में तो ये सेम है, पर क्वेश्चन अलग है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है और यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, डेसिमल को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर डेसिमल कितना है, 2 2 4 2 6, मतलब कि 6 जीरो आएंगे कि यदि हम इसको हटाएंगे तो नीचे 6 जीरो आएंगे ना, इसके बटे में, इनके बटे में 6 जीरो आएंगे। इसी प्रकार देखिए 2 2 4 2 6, मतलब 6 जीरो यहाँ से भी जाएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 6 जीरो आएंगे, है ना, बटे में जाएंगे पर हम 6 आएंगे ये। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएंगे, 1 2 2 इधर आएंगे, इधर भी कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, मतलब कि ये 2, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको याद रखना है, 2 में से सो काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 में से सो हटाएंगे कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब हमको क्वेश्चन भूल जाना है, हमको जैसे सॉल्व करना होगा वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो कर देंगे इसको कितना लिख देंगे, 575 प्लस 325, ये हमने लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे, 5 और 3 8 800 हो गया, 7 और 2 9, मतलब 90, तो 790, और ये 5 और 5 10, मतलब कि 890 में 10 जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है ये। और ये क्या था, 4D मतलब क्या था, 4D मतलब क्या, बटे में कितने, 4 जीरो, तो आप देखिए 1 2 3 4, इसको फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, 0.900 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी एक और लगेगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ये, तो ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। चलिए दोस्तों आप समझते हैं हमारा टाइप नंबर 7 को। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों, देखिए तो आपकी यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा दोस्तों, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखने में इतना खतरनाक है पर इसका आंसर इतना स्वीट है ना कि आपका क्या बोलूं, तो इसका आंसर बहुत ही स्वीट है, देखने में दोस्तों इतना डेंजरस है पर इसका आंसर बहुत स्वीट है। चलिए समझते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, है ना, इसको याद भी कर लेना है। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इसी को हम फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये इंटू में, ठीक है, जो संख्या इंटू में रहती है वो बटे में चली जाती है ना, ऐसे ही होता ना, तो ये पूरी संख्या हो गई, ये आ गई और ये पूरी, ये संख्या मान लेते हैं ना, ये पूरी इधर आ गई, ऐसे लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन जो कि सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है, देखिए यहाँ पर यदि आपने कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट आपको ये नहीं पता होगा ना, तो आप कंफ्यूज जाएंगे इसको करना कैसे है, है ना, तो आपको डायरेक्ट देखना चाहिए ये क्या है, ए ए ए, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये ए है, मतलब ए ए ए क्यू हो गया, ठीक है, ये बी है तो बी 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 क्यू, 3 3 ए बी सी ये हो गया, सी क्यू क्या है, ये है ना, तो ए क्यू, ये बी क्यू और ये सी क्यू, ये पूरा हो गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा नीचे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 बार बड़ा, सी स्क्वायर है ना, माइनस ए बी बी सी और सी ए, तो डायरेक्ट इसका आंसर हमको क्या आता, डायरेक्ट ध्यान रखना ए प्लस बी प्लस सी। देखिए दोस्तों इतना डेंजर क्वेश्चन दिख रहा था पर इसका आंसर कितना स्वीट है, आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होता, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट हम लिख देंगे ए b
बी कितना है 1/4 और सी कितना है 1/5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा 60, 60 आ जाएगा ना, और 30 को लगाएंगे, 3 से लगाएंगे कितना 20 आ जाएगा, 4 से लगाएंगे 15 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 12 आ जाएगा, जोड़ देंगे 20 30 35 37 47, तो 47/60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार का आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पर ये आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा क्योंकि इसमें डेसिमल घुसेड़ दिया। देखिए यहाँ पर डेसिमल आ रहा है पर यहाँ पर डेसिमल नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है आपको, एक आपको ना डायरेक्ट डेसिमल को काउंट कर लेना कितने, देखिए आपको डेसिमल को डायरेक्ट काउंट कर लेना, कैसे करेंगे देखिए 2.5 × 2.5 × 2.5, मतलब यदि हम इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे तो एक 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो एक और 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो एक और 10 आएगा, मतलब कितना है 1, 2, 3 तीन दस आ रहा है, यहाँ से भी देखिए 3 10 आएंगे, यहाँ से भी 3 10 आ जाएंगे, और देखिए यहाँ से भी 3 10/10 आएंगे, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि 3 डेसिमल आने वाले, डेसिमल मतलब कि 10 3 10 नीचे आएंगे, हमको ये ध्यान रखना है, इससे ऐसा लिख लेंगे तो हमको याद रहेगा। हमको क्या करना है, अब हम इसको दशमलव को भूल जाना है, हम जो हमको जैसे कर रहे थे हम वैसे कर देंगे इसको। ठीक है, सॉल्व तो क्या करेंगे अब इसको, ये क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया तो हम इसको भूल जाएंगे। देखिए जैसे इसको करना है डायरेक्ट इसको ये फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस ये क्या है 3abc तो है, देखिए इसको सो तोड़ के लिख सकते हैं 25 किया 75 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.25, ऐसे लिख सकते हैं ना 2.5 × 3 25 किया 75, ये जाएगा 3abc, ये आ गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको डायरेक्ट आंसर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, आंसर लिख देंगे ए कितना है 2.5 सॉरी पॉइंट हम छोड़ देंगे, बी कितना है 47, सी कितना है ए सी कितना 28, इनको जोड़ देंगे आंसर कितना जाएगा, देखिए आंसर कितना जाएगा जोड़ेंगे देखिए 25 और 25 50 25 25 50, इसमें कितना बचा 3 बच गया 45 90 और 7 × 3 = 100 आंसर। ठीक है, पर ये आंसर गलत क्यों, क्योंकि हमने ये 3D तो अभी करें नहीं, लिखा ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे 3D मतलब कि 3.123 बटे में आएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 संख्या दशमलव 1 2 3 मतलब 0.1 इसका आंसर है।